इधर जमीन के बदले नौकरी के मामले में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती सहित 13 अन्य आरोपियों की राउस एवेन्यू कोर्ट में पेशी हुई। हालांकि इस दौरान लालू प्रसाद यादव वर्चुअली कोर्ट में पेश हुए। पेशी के दौरान कोर्ट ने 8 मई की अगली तारीख तय कर दी है। सीबीआई को 2 से 3 हफ्ते में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करने का निर्देश भी दिया गया है। आपको बता दें कि इससे पहले भी उनके साथ सुनवाई हुई थी और उनकी पेशी हुई थी राउस एवेन्यू कोर्ट में, जहां कुछ मुचलकों पर उन्हें जमानत दे दी गई थी। खबर पर हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता कुंवर अभिषेक वापस से बने हुए हैं। अभिषेक, लालू परिवार की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है, सीबीआई ईडी की दबिश अब जो है वो लालू परिवार में वापस से हमें देखने को मिल रही है। 13 अन्य आरोपियों के साथ लालू परिवार की पेशी हुई और अब इस दौरान अगली सुनवाई की तारीख 8 मई को निर्धारित की गई है। बिल्कुल, देखिए मुश्किलें लालू परिवार की कम होने को तैयार नहीं है, कम होने की नजर नहीं आता, क्योंकि अभी हाल ही में लालू प्रसाद यादव के घर में खुशी भी आई है। डिप्टी सीएम बिहार के, उनको बेटी हुई है, उन्होंने कहा भी कि तमाम मुश्किलें हमारी दूर हो जाएंगी। लेकिन सीधे तौर पर, क्योंकि लैंड फॉर जॉब मामला ये पुराना है और दोनों मुख्यमंत्री, इसमें चाहे राबड़ी देवी हो, चाहे लालू प्रसाद यादव हो, और डिप्टी सीएम अभी जो तेजस्वी, वो उनकी बहन मीसा भारती सहित तमाम आरोपियों को राहत देने के मूड में सीबीआई और ईडी कतई नहीं है। देखिए, तमाम कोशिशों के बावजूद भी ईडी के सामने, सीबीआई के सामने मीसा भारती और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को पेश होना ही पड़ा। उन्होंने तमाम दलील दी कि अभी बजट सत्र है, तमाम विकास कार्य रुक जाएंगे, उसके बावजूद भी पेश होना पड़ा। हालांकि सीबीआई की तरफ से कहा गया कि हम गिरफ्तार नहीं करेंगे। आज की अगर मैं बात करूं तो तमाम तथ्य देखने के बाद कोर्ट ने एक तारीख जरूर दे दी है, लेकिन इतना जरूर है कि तमाम मुद्दे जो सीबीआई और ईडी जिन मुद्दों पर इन लोगों से बातचीत कर रही है या पूछताछ कर रही है, तमाम लोगों को आमने सामने बैठाकर बातचीत कर रही है, तो मुश्किलें कम नहीं होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और पूरा विपक्ष देखिए एकजुट है इसी मुद्दे को लेकर कि सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग केंद्र के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन चूंकि तथ्य पेश किए जा रहे हैं बार बार कोर्ट के अंदर, तो कोर्ट इसको नकार नहीं सकता। कोर्ट ने एक बार भी ये नहीं कहा कि जो विपक्ष का जो आरोप है, चूंकि विपक्ष इस आरोप को लेकर कोर्ट के अंदर नहीं गया, और क्योंकि दिल्ली की अगर हम बात करें तो मनीष सिसोदिया जेल के अंदर है, उनको राहत नहीं मिली। पहले जो उनके मंत्री हैं वो भी लगभग साल भर से जेल के अंदर है, उनको राहत नहीं मिली। तो अगर इस केस में कोई गंभीरता नहीं होती तो निश्चित तौर पर कोर्ट से राहत मिल गई होती, ऐसा भारतीय जनता पार्टी का कहना है। तो चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कल अपने भाषण में कहा कि भ्रष्टाचारी को बचाने के लिए संपूर्ण विपक्ष साथ है, तो ऐसे में ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि जो तथ्य माननीय न्यायालय के समक्ष रखे जा रहे हैं सीबीआई और ईडी के द्वारा, चूंकि ये छोटा मोटा स्कैम नहीं है, रेलवे भर्ती के अंदर तमाम नौकरियों का नौकरी देने के लिए, नौकरियों का लालच देने के लिए जमीनें लिखवाई गई थी लोगों की, ये आरोप है तेजस्वी यादव के ऊपर, लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के ऊपर, मीसा भारती, चूंकि जो रेड्स हुई हैं उसमें जो कुछ निकल के सामने आया, जैसे जो दिल्ली में जो मकान है डिप्टी सीएम का, उसकी कीमत जो एक्चुअल में होनी चाहिए थी वो नहीं दर्शाई गई, तो उसमें भी जांच चल रही है। तो ऐसे में मुश्किलें अभी लालू प्रसाद यादव के परिवार से जल्दी निकल जाएंगी ऐसा लगता नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि अगली तारीख दे दी है, उसमें भी पेश होना पड़ेगा। लालू प्रसाद यादव चूंकि बीमार है, हवाला दिया गया था उनकी, अभी किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, तो उनको सफर के लिए डॉक्टर ने थोड़ी सी हिदायत बरतने के लिए कहा, तो ऐसे में उनका विजुअल, उनका वर्चुअल, उनकी पेशी हुई। तो निश्चित तौर पर अगली जब सुनवाई होगी तो उसमें लालू प्रसाद यादव को, अगर उनकी तबीयत ठीक हुई तो कोर्ट का यह आग्रह है कि वो वहां आकर मौजूद हो पूरे परिवार के साथ, और सीबीआई और ईडी भी कुछ नए तथ्य उसमें रखेगा। क्या रखेगा ये माननीय न्यायालय में जब पेशी होगी तब देखने वाली बात होगी। इतना जरूर है कि जो भी तमाम जो साक्ष्य कोर्ट के सामने रखे जा रहे हैं, कोर्ट उनको नकार नहीं रहा है। विपक्ष भले ही जो मर्जी आरोप सरकार के ऊपर लगाए, दुरुपयोग का तमाम ईडी और सीबीआई और तमाम सुरक्षा जो जांच एजेंसी है उनके दुरुपयोग का आरोप लगाए, लेकिन कोर्ट ने अभी तक किसी भी आरोपी को, किसी भी अभियुक्त को राहत नहीं दी है, क्योंकि कोर्ट के समक्ष जो सबूत रखे जा रहे हैं वो सीबीआई का मानना है, ईडी का मानना है, वो पुख्ता है। तो ऐसे में लालू प्रसाद यादव की जल्दी इस पूरे मामले से, इस पूरी जांच से जल्द उनको राहत मिलेगी ऐसा लगता नहीं है। इतना जरूर है कि एक तारीख और दे दी गई, उस तारीख में क्या कुछ निकल के आता है ये भी देखने वाली बात होगी। जी
चलिए कुंवर अभिषेक, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता कुंवर अभिषेक, जिन्होंने आप तक सटीक जानकारी पहुंचाई है। जमीन के बदले नौकरी के मामले में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती सहित 13 अन्य आरोपियों की राउस एवेन्यू कोर्ट में पेशी हुई है। पेशी के दौरान कोर्ट ने 8 मई की अगली तारीख तय कर दी है। सीबीआई ने दो से तीन हफ्ते में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करने का आदेश दिया है। इससे पहले कोर्ट ने नतीजे के लिए तीनों की रेलवे में नौकरी के बदले जमीन मामले की याचिका पर 15 मार्च को मंजूरी देते हुए आरोपियों को 50,000 रुपए के मुचकले पर जमानत दे दी थी। इसके पहले 6 मार्च को सीबीआई की टीम लालू के पटना आवास पर राबड़ी देवी से पूछताछ उन्होंने की थी, जिसके बाद ईडी ने 10 मार्च को रेलवे में नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में लालू प्रसाद यादव के परिवार के सदस्यों और रिश्तेदारों के घर पर छापेमारी भी की थी।